करके आते हैं. एमएनएम पहले ही काफी चल चुका है, हालांकि अब मैं आऊंगा पहले कोल इंडिया पे. इट्स 323, आई मीन 323, ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पे प्राइस जो है, ये मार्च 2017 के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, लगभग 6-7 साल का जो इसने हाई क्रिएट किया है. हिमांग, आपकी राय क्या है? नंबर्स तो आने हैं, बट दो बातें हैं. एक, जो हायर लेवल्स पे ट्रैप है, 450, 380, 350 के भी बायर हैं इसमें, और एक वो जिन्होंने ड्यूरिंग द कोविड इसको लोअर एजेस पे 150, 130 पे ग्रैब किया था, इवन 200 पे ग्रैब किया था. ये प्राइस आपको एक अच्छा एग्जिट दे रहा है क्या एट लोअर लेवल्स अगर आप थे तो? आपका व्यू कोल इंडिया के इस प्राइस पर? बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है, और मुझे लगता है कि ये जो नतीजे हैं उसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज रहेगा. अगर आप देखें जो बाकी की जो यूटिलिटी कंपनीज हैं, जैसे टाटा पावर का भी जो है वो नतीजों में ये क्लियरली भर के आ रहा था कि कोल का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, और बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइजिंग एंड ऑफटेक एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा कंपनी से. और मुझे लगता है कि इंटरनेशनली भले प्राइसिंग कोल के थोड़े नीचे आए हो, बट ओवरऑल सिनेरियो इंडिया में काफी स्टेबल है, और डिविडेंड भी काफी अच्छा आ सकता है. लगभग 4.5% का डिविडेंड यील्ड स्टॉक ये देता है, तो डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा कोल के. कंस्ट्रक्टिव व्यू है, पॉजिटिव व्यू है.